पासपोर्ट किस तरह का दस्तावेज है? पासपोर्ट किससे किसके द्वारा जारी किया जाता है? गवर्नमेंट। पासपोर्ट किसी व्यक्ति को किस प्रकार उपयोगी है? एक व्यक्ति को पहचान दिलाता है और विदेश यात्रा में करने के लिए अनुमति सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने के लिए कौन सा दस्तावेज देना जरूरी है? पासपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश के नागरिक को किस के लिए पासपोर्ट किस तरह की सहायक किस तरह सहायक है? ये व्यक्तिगत पहचान कराता है इसलिए। यह किस देश के अधिकारी के आदेश पर जारी किया जाता है? उच्चतम अधिकारी के आदेश। भारत में किसके आदेश पर किसी व्यक्ति के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के आदेश। सामने वाले कवर पेज पर कौन सी जानकारी दी गई दी गई होती है? सामने वाले कवर पेज पर कौन सी जानकारी दी गई होती है? व्यक्ति की जानकारी, व्यक्तिगत पासपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में पासपोर्ट का उपयोग किस रूप से किया जाता है? साधन के रूप से। पासपोर्ट पर किसका अधिकार होता है? सरकार के पास पासपोर्ट संबंधित किस प्रकार का अधिकार है? कि वह पासपोर्ट पासपोर्ट वापस लिया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। पासपोर्ट पर किसका पूर्ण अधिकार होता है? गवर्नमेंट का। पासपोर्ट के संशोधन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट किस प्रकार का दस्तावेज है? एक मूल्यांकन दस्तावेज है। पासपोर्ट को किस प्रकार रखना चाहिए? सुरक्षित रखने के साथ। भारतीय पासपोर्ट में दी गई जानकारी किस भाषा में छपी होती है? हिंदी और इंग्लिश। पासपोर्ट में व्यक्तिगत जानकारी कहाँ दी गई होती है? सामने वाले कवर पेज में, आखिरी वाले कवर पेज। सामने तथा कवर पेज पर किस प्रकार की छेड़छाड़ के लिए क्या किया जाता है? सही लैंग्वेज किया जाता है। पासपोर्ट में फोटो कहाँ कहाँ होती है? फ्रंट। पासपोर्ट के आखिरी वाले कवर पेज पर कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है? फादर नेम, मदर नेम, पति पत्नी के नाम, एड्रेस, फाइल नंबर। भारत देश का प्रतीक कहाँ प्रदर्शित होता है? फ्रंट के कवर पेज के सेंटर में। देश के प्रतीक के ऊपर क्या लिखा होता है? पासपोर्ट। नीचे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट में कितने पेज होते हैं? 36। 60 पेज वाला पासपोर्ट किसको जारी किया जाता है? जो अक्सर यात्रा करते हैं। पासपोर्ट आमतौर पर कितने साल के लिए मान्य होता है? 5 से 10। पासपोर्ट कितने साल पासपोर्ट किन किन देश के लिए मान्य होता है? सभी देशों के लिए मान्य होता है। यात्रा के दौरान पासपोर्ट की वैधता कितनी होनी चाहिए? 10 से 20। कितने उम्र के बच्चों को आमतौर पर अपने नाम पर जारी वैधता पासपोर्ट रखने की आवश्यकता है? 16 वर्ष से अधिक आयु के। कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं? नॉर्मल नॉर्मल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, एलियन, चिल्ड्रन आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट। नॉर्मल पासपोर्ट किनको किन लोगों को जारी किया जाता है? विदेश के नागरिक होते हैं। सामान्य पासपोर्ट का भारी कवर किस रंग का होता है? ब्लू। नॉर्मल पासपोर्ट में कितने पेजेस होते हैं? 36। नॉर्मल पासपोर्ट कितने साल के लिए मान्य होता है? 10 से 20। किसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है? जो राजनीतिक अहदा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का भारी कवर कौन से रंग का होता है? उमेश राउत। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैधता कितनी होती है? उसकी वैधता अलग अलग है। ऑफिशियल पासपोर्ट का कलर कौन सा होता है? व्हाइटिश ग्रे। ऑफिशियल पासपोर्ट किसको जारी किया जाता है? जो सरकारी काम द्वारा सरकारी अधिकारी को दिया जाता है। ऑफिशियल पासपोर्ट की वैधता कितनी होती है? भिन्न भिन्न होती है। चिल्ड्रन आईडी कार्ड किन्हें जारी किया जाता है? जो पासपोर्ट दर के न्यूनतम दर के लिए नहीं होते उन्हें चिल्ड्रन आईडी कार्ड कुछ देशों द्वारा जारी किया